फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 15, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। अब इसमें हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे। फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, प्लेन। अ प्लेन इज अ स्मूथ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस। सबसे पहली चीज है प्लेन। प्लेन हम किसी भी फ्लैट सरफेस को बोल सकते हैं। फ्लैट सरफेस कौन कौन सी होती है? जैसे कि एक बुक, बुक एक फ्लैट सरफेस की होती है, या फिर कोई टेबल, या फिर कोई फोटो फ्रेम। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी सरफेस फ्लैट होती है, तो उसको हम प्लेन बोलते हैं, और वो हर डायरेक्शन में बढ़ती है। दूसरा है पॉइंट। अ पॉइंट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री दैट डिनोट्स अ डेफिनाइट पोजिशन। तो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी, मतलब एक फिक्स्ड पोजिशन को ज्योमेट्री की लैंग्वेज में हम पॉइंट बोलते हैं। थर्ड है लाइन। अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइन क्या होती है? पॉइंट्स का एक ऐसा कलेक्शन जो दोनों तरफ एंडलेसली बढ़ता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में बढ़ सकता है। लाइक दिस, इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है। तो इसका कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं होती लाइन की, कभी भी कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन में भर सकता है। फोर्थ, लाइन सेगमेंट। अ स्ट्रेट लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अब लाइन कैसी थी हमारी? दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली भर सकती थी स्ट्रेट लाइन में। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का फिक्स डिस्टेंस होता है, मतलब दोनों पॉइंट इसके फिक्स होते हैं। तो ये इतनी है, इतनी रहेगी, आगे नहीं बढ़ती। तो दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। रे। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट दैट गोज एंडलेसली इन वन डायरेक्शन ओनली। अब लाइन तो हमारी दोनों डायरेक्शन में कितनी भी बढ़ सकती है, लेकिन जो रे होती है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक पॉइंट में एंडलेसली भरती जाती है। एक डायरेक्शन में ये ख़त्म नहीं होती, एक डायरेक्शन में चालू होगी, फिक्स पॉइंट होगा, दूसरे डायरेक्शन में भरती जाती है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन 1, मार्क अ सुटेबल पॉइंट एंड ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले है अ लाइन पी क्यू। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम होना चाहिए पी क्यू। अब लाइन कैसे में बनती है? दोनों डायरेक्शन में भरती जाती है, लाइन दोनों डायरेक्शन में भरती जाती है। लेकिन हमें इस पर टू पॉइंट्स पता है, कौन से? पी और क्यू। ये पी क्यू लाइन कहलाएगी जो कि दोनों डायरेक्शन में भरती है। दोनों डायरेक्शन में भरे तो ये वाला एरो वाला साइन लगता है। अब है अ लाइन सेगमेंट ओपी। लाइन सेगमेंट बोला है, अब लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट तो फिक्स होते हैं, लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, दोनों पॉइंट फिक्स, एक पॉइंट ओ, दूसरा पॉइंट पी। तो दिस इज लाइन सेगमेंट ओपी। सी, अ रे एम एन। हमें अब क्या बनाना है? रे एम एन। तो रे का एक फिक्स होता है पॉइंट, दूसरा तो एंडलेसली भरता ही जाता है। तो हमें पता है कि ये रे एम एन है। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई एंड नेम लाइन सेगमेंट्स एंड रेज इन द फिगर्स। अब हमें दो डायग्राम दिए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब हमें ये बताना है कि इस डायग्राम में कितनी लाइन सेगमेंट्स है, कौन कौन सी है और कौन कौन सी रेज है। लाइन सेगमेंट हमें पता है क्या होता है, एक पॉइंट से चालू होकर दूसरे पॉइंट पर खत्म होती है, और रे क्या होती है, एक पॉइंट से चालू हो दूसरे डायरेक्शन में बढ़ती जाए। सबसे पहली लाइन सेगमेंट ए और बी, ए और बी। उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या है? ए और डी। उसके बाद लाइन सेगमेंट तो अब नहीं है, बस ये दो ही थी, ए बी और ए डी।
अब आते हैं रे पर. रे कौन सी है? बी से चालू हो रही है लेकिन सी आगे बढ़ता जा रहा है. रे है बी और सी, और उसके बाद दूसरी रे है डी ई. नाउ कम टू बी डायग्राम. लाइन सेगमेंट पे आते हैं. लाइन सेगमेंट हमें पता है एक पॉइंट से चालू होकर दूसरे पॉइंट पर खत्म होती है. सबसे पहला कौन सी लाइन सेगमेंट दिख रही है? आर से चालू होके क्यू पर खत्म होने वाली, आर और क्यू. फिर दूसरी दिख रही है क्यू से चालू होके पी पे खत्म हो रही है, तो क्यू और पी. अब हमें ये भी दिख रही है कि एक आर से चालू होके पी तक जा रही है. ये पूरी बड़ी वाली भी हम लेंगे आर और पी, तो आर क्यू, क्यू पी और आर पी. ये तीन हमारी लाइन सेगमेंट हो गई. अब आते हैं रे पर, जो कि एक पॉइंट से चालू होकर दूसरे पॉइंट पर एक्सटेंड करती है. देखो ये आर से चालू हो रही है और एस तक एक्सटेंड हो रही है, तो आर एस हो गई रे. फिर है दूसरी रे क्यू और टी.